ही मिर्ची से सी सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं, हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। आशा की सीढ़ी पे पांव पांव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं, हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। अगर तुम अब्बू क्या काम ना कर रहे होते तो क्या तुम तब भी मुझसे शादी कर लेते? कोई स्पेशल पर्सन आपके साथ चल रहा होता है ना, तो लोगों की नजरें आप पर फिक्स हो जाती हैं। मुझे साथ लाते हुए लोगों की नजरें नहीं होती। 5-7 हज़ार बार तो तेरा दिल तोड़ा है मैं, पर तू इतनी ढीठ है कि फिर शक्ल उठाती है और आ जाती है यहाँ। तेरे सामने किसी हसस के बातें कर रहा था, मेरे अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया। कोई ना कोई नाम तो देना ना इस रिश्ते, या फिर ऐसे चुप चुप के मिलते रहेंगे। मम्मी ले आओ खाना, भूख लग रही है। तू क्या कर रही है यहाँ पे? ताई जी ने बुलाया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, दवाई खा कर लेती हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी। मतलब जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या हो गया तुम्हें? इतने दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम्हारे तो तेवर ही बदलते जा रहे हैं। हाँ बदलते जा रहे हैं तेवर, तो क्या करना है अभी तुम्हें? ऐसा क्यों कर रहे हो बाबर, क्यों मुझे अजियत दे रहे हो? बड़ा मजा आता है मुझे, तुझे अजियत देता हूं ना तो बड़ा मजा आता है मुझे। बस क्यों खड़ी है सर पे यार, क्या है, क्या चाहिए? अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो बता दो मुझे। इस तरह के फिजूल सवालों का ना कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब तो तुम्हें देना ही हो। कोई जवाब होता भी ना मेरे पास तो भी मैं तुझे नहीं देता। और तू क्या चाहती है? यही चाहती है ना मैं खाना नहीं खाऊं, भूखा रहूं मैं, नहीं खाता। खाना खा लो प्लीज, मेरी वजह से ऐसे मत करो। भाड़ में जा तू और भाड़ में जाए तेरा खाना। आगे से हट, हट। Thank you.
तुम इस वक्त छत पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम इतनी रात को छत पे क्या कर रहे हो? मैं अक्सर आता हूँ वो खाना हजम करने के लिए, चहलकदमी। तुम क्या कर रही हो इस वक्त छत पे? मैं भी खाना हजम, चहलकदमी। अच्छा, ओए, तुम जासूसी कर रही हो मेरी, हैं? मैं क्यों तुम्हारी जासूसी करूंगी बाबर? तुम्हारे दिल में ये ख्याल क्यों आया? मेरे दिल में ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि चुपचाप मैं खड़ा था और पता भी नहीं चला कि तुम आ गई। तो ये जो दबे पांव तुम ऊपर आई हो ना, ये साफ साफ मुझे बताते हैं कि क्या कर रही हो तुम। मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहती थी। बस यार, बस कर दो। तंग आ गया हूं मैं तुमसे और तुम्हारी ये बातों से। जब देखो तो बात करनी है, जब देखो तो बात करनी है, और बात में बात कुछ होती नहीं है। तुमसे जान छुड़ा के मैं ऊपर आया था और तुम पटर पटर पीछे भी आ गई हो। एक बार कह दो कि चली जाओ तो चली जाऊंगी मैं। ये भी कहना पड़ेगा, जिस तरह की तुम खुद हो ना, खुदा की कसम वैसा ही दिमाग दिया तुम्हें ऊपर वाले ने। जो मैं तुमसे एक दफा कह देता, चली जाओ यहां से। नीचे ही चला जाऊं तो बेहतर है। डॉक्टर शहरयार का फोन आया था। फिर मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। वो कह रहे थे तुम्हें भी फोन किया था लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया, बंद था। हाँ, शायद उस वक्त मैं मीटिंग में होऊंगा इसलिए बेल ऑफ होगी। उन्होंने बुलाया हम दोनों को, कह रहे थे कोई जरूरी बात है, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा। चीज याद से कर लेना, और अगर कोई मीटिंग हो तो छोड़ देना, ये ज्यादा जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है? अरे मैंने तो ऐसी बात की है, तुम इतने हाइपर क्यों हो? हाइपर मैं नहीं हो रहा हूं, हाइपर तुम हो रही हो। अच्छा प्लीज, अब सुबह सुबह इस तरह बात को बढ़ाओ मत। बात को मैं बढ़ा रहा हूं? मैं बढ़ा रहा हूं बात को? तूल तो तुम दे रही हो उस बात को। अरे मुझे क्या जरूरत है तूल देने की? देखो नबील, असल में तुम बदलते जा रहे हो। मैं तो ये देख रही हूँ कि तुम्हारा रवैया ही तब्दील हो गया। तुम क्या समझते हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है? कुछ पता नहीं चलता क्या मुझे? देखो अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं बिल्कुल। मैडम, साहब तो जा चुके। जा चुके जी। छोड़ दो मुझे, गिरी हूं तो खुद से उठ भी जाऊंगी। हट जाओ यहां से। फिर पराठे? तुम्हें क्या कहा था मैंने? कहा था ना मैंने पराठा नहीं खाना, फिर पराठे बना के ले आई हो तुम। सुनती क्यों नहीं हो? मेरा बाप मेरे लिए जो फैसला करता था, मेरी कभी जरूरत नहीं होती थी उस फैसले से भागने की। ये अचानक आज आपको
अब्बा जी सुबह सुबह कहाँ से याद आ गए? ये नई नस्ल के रंग ढंग देख के जमीन से अभी निकलते नहीं है और काम बड़े बड़े करने का सोचते हैं। अरे हुआ क्या है सुबह सुबह? आंखें हैं मेरी, देखता हूं सब कुछ। अगर मैं बोलता नहीं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ समझता नहीं। क्या मतलब? मेरे बारे में बोल रहे हैं। तुम्हारे बारे में क्यों बोलेंगे? हम तीनों में से नौजवान कौन है? मैं ही हूं ना, तो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं ना तो फिर समझो कि क्या कर रहा है तू। क्या कर रहा हूं मैं? आपको पता है ना, आप ही बता दें क्या कर रहा हूं मैं। किस तरह बात कर रहे हो अपने बाप के साथ? तुझे पता है तू क्या कर रहा है? बाप हूं तेरा, समझता हूं सब कुछ। अगर मां को पता होता है ना कि बच्चे को क्या चाहिए तो बाप भी जानता है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है। अरे हुआ क्या है, कुछ मुझे भी तो पता चले, ये क्या बातें हो रही है बाप बेटे में। अरे क्या होना है, मतलब क्या हो सकता है? अरे मैं कर क्या सकता हूँ, सारा दिन या तो आपके साथ वहां दुकान पे सड़ता रहता हूँ मैं, और जो बच्चा कुछ टाइम होता है उस पर घर पे लगा रहता हूँ मैं। करना है 200 रुपए गिन के 200 रुपए खर्चा देते हैं मुझे। वो इन हालात में कोई करेगा भी तो क्या करेगा? अब इन हालात में तुम्हारे ये जो परपुर्जे निकल रहे हैं ना वो भी देख रहा हूँ, और अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँ तो जाने तुम क्या करो। खुला छोड़ दिया? बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, पता चल रहा है आपको? और क्या कर लूंगा मैं, खुला भी छोड़ देंगे आप मुझे तो क्या कर लूंगा मैं। और आप सीधी तरह ये क्यों नहीं कहते कि जो पीछे खड़ी है इसने कान भरे हैं आपके मेरे खिलाफ? खबरदार उस मासूम को बीच में मत लाओ। ओहो, उसके साथ जो तेरा रवैया है ना वो मैं देख रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि इंसान बनो। देखा ये बात है, तो अब तुम मेरी चुगलियां भी लगाओगी मेरे बाप को? खबरदार बदतमीज। ओहो क्या हो गया आपको, बाबर तू ही कोई तमीज कर ले। क्या तमीज कर लूं? किया क्या है मैंने जो मैं तमीज कर लूं? ये कर सकता हूं मैं कि जाता हूं यहां से। अरे कहां जा रहे, नाश्ता तो कर ले। मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता, हो गया ना नाश्ता, अब ये इन्हें खिलाओ और तुम खाओ, पराठे बनाए ना तुमने, खाओ। कमाल करते हैं आप भी, अरे जवान जहान बेटे से कोई इस तरह बात करता है? मुझे ना सिखाओगे कैसे बात करते हैं? इस घर में वही होगा जो मैं सोचता हूं। अगर वो घर छोड़ के चला गया तो फिर? वो पहले भी 10 बार गया है, अगर किसी काबिल होता ना तो वापिस ना आता। चके का कमाऊ नहीं है, आ जाएगा शाम तक वापस। कुछ तो सोच लिया करें आप। तू चुप कर, अगर उसके पार अभी ना काटे ना तो वो सब लुटा देगा जो अभी तक बनाया है। खुदा किसी को न कमी और न खट्टू औलाद भी ना दे। पढ़ लिख वो नहीं सका, कारोबार करवाया वो नहीं कर सका, इससे तो अच्छा था कि दो बेटियां होती। बेटी तू चाय लेके आ। और ये तू खाना क्यों नहीं खा रही? चल खाना खा। बेटा खाना छोड़ के चला गया, मेरे हलक से क्या निवाला उतरेगा? जब भूख लगेगी ना तो तू खा लेगी और वो भी आ जाएगा। मैडम वो बशीर आया है, उसने ये सीडी दी है, कह रहा है कि मालकिन को दे दो। आंसर लगा देना। जी जी लगा दिए। हाँ ये रिमोट मुझे दे देना और दरवाजा बंद कर देना। जी जनाब, तो कैसी लगी जगह? जगह अच्छी थी लेकिन खाना बहुत बेकार था। तो किसी दिन ऐसा करती हूँ कि अपने हाथ का बना खाना आपको खिलाती। अरे वाह, खाना बना लेती हो? क्यों नहीं, देसी से लेके कॉन्टिनेंटल सब आता है मुझे। अरे वेरी गुड, तो पहले बताना था, यहाँ जाके हम वक्त जाया ना करते। ये भी है, मगर ये बात मेरे दिमाग में कभी आती नहीं। अरे एक तो हर बात हमारे जहन में देर से आती है, इसे जरा ऑन करना। अब इसे बंद रहने दीजिए, पहले मुझे ड्रॉप कर दे फिर इसे ऑन कर लीजिएगा।
चलो ठीक है भाई, जैसा तुम बोलती हो। लाएं ताई जी, मैं कर देती हूँ। रहने दे। क्या हुआ ताई जी? सुबह जो कुछ भी हुआ वो तुमने भी देखा, अब मासूम बन रही हो तुम। आपको भी लगता है कि मैंने ताई जी से शिकायत लगाई? ऐसा ही लगता है। मुझे कसम ले ले ताई जी, मुझे तो खुद पता नहीं है ये सब क्या हुआ है। आपको तो पता है ना कि मैं बाबर से कितना प्यार करती हूँ। वो चाहे मुझे जितना मर्जी जलील कर ले, लेकिन मैं कभी किसी और से उसकी शिकायत नहीं कर सकती। मुझे अम्मू की कसम है ताई जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। प्लीज आप तो मेरे साथ ऐसा ना करें। अरे ऐसा ना कर बेटा, मुझे पता है कि तूने ऐसा नहीं किया होगा। मैं तो सुबह वाली लड़ाई से अपसेट थी। अच्छा चल चुप कर जा बेटा, तुझे पता है ना अपनी ताया जी की सख्ती का। बाप है ना वो, क्या करे, इस लड़के की वजह से कुड़ते रहते हैं वो। मुझे पता है ताई जी उससे बहुत प्यार करते हैं। अरे प्यार तो हम सभी उससे करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़के की समझ में नहीं आता। अच्छा चल, तूने क्या अपना हाल बना रखा है, तूने बाल भी नहीं बनाए सुबह से। बस ऐसे फुर्सत नहीं मिली। अच्छा चल जा, जाके ना तेल लेके आ, मैं तेरे सर में लगा देती हूँ। हैं, तेरी अम्मी भी तो आने वाली है ना। जा शाबाश। जी मैडम, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे के अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब है वो नबील से सिर्फ पैसे के लिए शादी करना चाह रही है। जी मैडम, उसने अपने पहले बॉयफ्रेंड को भी इसीलिए छोड़ा था। वो इसे सिक्योर फ्यूचर का नाम देता है, साफ जाहिर है उसे पैसा चाहिए। देखने में कैसी है? बस ऐसी है, मुनासिब सी। देख नहीं सकती हूँ मैं, लेकिन लहजे खूब समझती हूँ। आइंदा से झूठ बोलने की कोशिश ना करना मेरे साथ। सॉरी मैडम। मैडम मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी तस्वीरें ले आया हूँ, कहीं तो साहब को भिजवा दूँ। नहीं नहीं, उसी लड़के से उसको ब्लैकमेल करवा देते हैं। नहीं भाई, एक्शन करवा देते मैडम। इस एक्सट्रीम तक नहीं जाना चाहती हूं मैं। तो फिर आप ही बता दें मैडम, क्या करें? कुछ ऐसा करना है कि वो लड़की खुद नबील को छोड़ के चली जाए, और जब नबील को पता चले तो उसे उस लड़की से नफरत हो जाए। ये नहीं हो सकता मैडम। हो सकता है, और हमें ऐसा ही करना है। तो फिर आप बता दें क्या करना है। उस लड़की को उसका माजी याद दिला, उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीरें भेजो उसे, ट्रैप करो उसे इस हद तक कि वो जिच हो जाए, और जब बिल्कुल तंग आ जाए तो डील कर लो उसके साथ। अगर वो नबील से उसके सिक्योर फ्यूचर के लिए शादी करना चाहती है
तो उसे समझा दो कि फ्यूचर तो नबील का भी सिक्योर नहीं है। लेकिन मैडम ये तो डायरेक्ट। नहीं, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, उसे खुद आने दो हमारे पास चल के, देखना वो आएगी, खुद आएगी। ठीक है मैडम, जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा। जाते वक्त जेनी से मिलते जाना। जी ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। और सुनो, ये काम एक हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए, समझे? जी ठीक है मैडम, आपने जैसा कहा वैसे ही होगा। हाँ ठीक है। वेरी वेल डन शाह जी, वेरी वेल डन। आपने तो वो सब कुछ भी अप्रूव करवा लिया जो प्लान का हिस्सा नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, हम तो आपके खादम हैं सर। इसमें नईम का बहुत बड़ा हाथ है, जो काजी साहब का होने वाला दामाद है। अच्छा अच्छा, उसका भी शुक्रिया अदा कीजिएगा हमारी तरफ से। बल्कि अगर कुछ देना दिलाना हो तो बता दीजिएगा। ये तो आपकी मर्जी है, अपनी खुशी से जो मर्जी है दे दें। लेकिन सर वो नौकरी चाहता है। क्या मतलब? सर मेरे साथ होता है लेकिन पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट पे लगा दें, लीगल काम बड़े अच्छे तरीके से देख लेता है। चलो ठीक है, आप उससे कहिएगा कि अपना सीवी लेके मेरे पास आ जाए, फिर जो मैं मैक्सिमम कर सका उसके लिए मैं कर दूंगा। और हाँ, वो अजमत के पास है लफाफा, भर दिया मैंने, जाते हुए लेते जाइएगा। सर मैं जाऊँ? हाँ, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यार मैं तो रात को उसके पीछे उससे बात करने गई थी, लेकिन उसने आगे से ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अब तू ही बता, उसे ऐसा करना चाहिए था? मैं क्या कह सकती हूँ, तुझे बेहतर पता होगा। ऊपर से ताई जी को पता नहीं सुबह सुबह क्या हो गया, इतनी सुनाई उन्होंने बाबर को, वो तो लड़के घर से चला गया। लड़के चला गया क्या मतलब, घर छोड़ दिया? इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, एक दो दफा पहले भी गया है, शाम तक आ जाता है। तू क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही है? यार ताई जी और बाबर को ये लगता है जैसे मैंने ताई जी के कान भरे हैं। तो तूने कोई शिकायत लगाई थी? तू पागल हो गई है, दिमाग खराब है तेरा, मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगी? मुझे तो ये लगता है कि रात को जो कुछ हुआ है ना, वो ताया जी ने सुन लिया होगा। अब तो उन्हें भी शक होगा कि इसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो? सबसे पहले तो मैं मर जाऊंगी। यार एक तो तू मरने के लिए तैयार बैठी रहकर, अगर उसने ऐसी हरकत की ना तो ताया जी ने उसे घर से बाहर निकाल देना है,
और सारी उम्र उसकी शक्ल नहीं देखनी उन्होंने। और अगर इसके बावजूद उसने शादी कर ली फिर? नहीं ना यार, मैं बचपन से जानती हूँ उसे, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। अच्छा दानी, ये पता तेरे साथ वाले घर में कौन रहता है? क्यों? नहीं, पहले वो भट्ट साहब रहते थे ना। वो तो चले गए हैं, अब कोई अयूब साहब आए हैं। उनकी कोई बेटी बेटी तो नहीं है जो शायद उससे रात को छत पे मिलती हो? तेरा दिमाग चल गया क्या? इस तरह तो मेरे घर की छत भी उसके साथ लगती है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा चक्कर चल गया बाबर के साथ? नहीं, तेरे से तो उसकी बनती नहीं है ना। मेरा मतलब है तू तो मेरी दोस्त है। एक सेकंड, अगर मेरी उसके साथ बनती तो मेरा उसके साथ चक्कर होता, ये मतलब है तेरा? नहीं नहीं, पागल हो गई है, तूने शक किया है मेरे पे है? नहीं छोड़ ना, ये बता नईम भाई कैसे हैं? या तो तू अपने दुखड़े लेके बैठ जाती है या मेरी दुखती रग पे हाथ रख देती है। क्यों नईम भाई दुखती रग है तेरी? या प्लीज उसका टॉपिक ना ही छेड़ तो अच्छा है। अब कहाँ जा रही है? चावल निकालने जा रही हूँ, अम्मी कह रही थी कि चावल पका लेना। मुझे तो लगता है मेरी सारी जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी, चावल पका लो, झाड़ू मार लो, बर्तन धो लो, क्या जिंदगी है यार। और हमने करना भी क्या है भाई, वैसे मुझे तो ऐसी जिंदगी भी कबूल है अगर बाबर के साथ हो तो। और अगर ऐसी जिंदगी मुझे उस चप्पड़ कनाती के साथ गुजारनी पड़ी ना, तो मैं जिंदगी खत्म कर दूंगी। यार बस करना, तू भी बोलती रहती है, जा जाके चावल लेके आ। मैडम जी एनवेलप आपके लिए दे गया था। मेरे लिए? जी। कौन था? पता नहीं मैडम, मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा है। ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू। Yes, I'm okay. तो भी ठीक है? Fine, सब ठीक है। अच्छा फिर खाना ऑफिस में ही मंगवा लो, और सोसाइटी का जो मास्टर प्लान है वो लेके मेरे कमरे में। हाँ जी, आप चलिए मैं आती हूँ। आंटी जी घर पर हैं? नहीं है। मैं वो मिठाई लाया था उनके लिए। बल्कि आपके लिए। किस खुशी में? वो मुझे नौकरी मिल गई है, बहुत बड़े ऑफिस में, पूरे 20,000 रुपये सैलरी है, हर शाम को जाना है। तो मैं क्या करूं? आप खुश नहीं हुई इससे? इसमें खुशी वाली कौन सी बात है? अम्मी अभी घर पे नहीं है, आएंगी तो आ जाना। अभी थोड़ी सी मिठाई।
था? नईम था और कौन? अरे नईम भाई थे तो अंदर क्यों नहीं बुलाया? मैंने कहा अम्मी घर पे नहीं, अम्मी आएंगे तो आ जाना। अच्छा कैसे से आए थे? एक और क्लर्की मिल गई उसको, उसकी खुशी में मिठाई लेकर आया था। यार दानी तू भी ना कसम से हद करती है, दिमाग खराब है तेरा तो कसम से। सुना भागे फिर रही है? क्या किया ये तूने? सारी मिठाई बाहर गिरी हुई है। तो गिर रहे, मैंने थोड़ी कहा था लाने के लिए। अगर तू हाथ बढ़ा के मिठाई का डब्बा पकड़ लेती तो तेरा क्या जाता? यार जहर लगता है मुझे वो, और उसकी लाई हुई चीजें भी। तो सीधी तरह रिश्ता तोड़ दे, कम से कम इस तरह किसी को जलील तो ना कर। तेरा भी कसूर नहीं है, तुझे अंदाजा नहीं है ना कि ठुकराए जाने में कितनी तकलीफ होती है। डर उस दिन से दानी, अल्लाह ना करे कि कोई तेरे साथ ऐसा करे। तो तुझे क्यों इतना दुख हो रहा है? क्योंकि मैं इस चीज से गुजर रही हूं दानी। अच्छा नहीं किया तूने। क्या अच्छा नहीं किया? अच्छा नहीं किया, मैंने जानबूझ के गिराई उसकी मिठाई। यार बात तेरे मिठाई गिराने की नहीं है, तेरे रवैये की है। अगला तेरे लिए इतने प्यार इतने खलूस से कोई चीज लेकर आया था, हद होती है वैसे। यार आंटी को पता चलेगा ना फिर, देखी। कुछ भी नहीं होगा, और पता चलता ना चल जाए, मैं क्या करूं। जहर इंसान मुंह उठा के हर वक्त चला आता मेरे घर में। हेलो, आज का ट्रेलर कैसा रहा? कौन हो तुम? इसको छोड़े मैं जो भी हूं, ये बताएं कि हमारा होमवर्क कैसा था? तुम उसके कहने पे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना? मैं तुम्हें किसी के कहने पे ब्लैकमेल नहीं कर रहा। अभी तो ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म पड़ी है अभी, सारे फ्लैशबैक्स इकट्ठे किए हैं, तुम्हारे दोस्त सारे सेठ वो बिजनेसमैन जिनसे तुम्हारा ताल्लुक रहा। क्या चाहते हो? इतनी जल्दी क्या है, अभी तो नबील तक ये तस्वीरें जाएंगी। चाहते क्या हो वो बताओ। फोन पे नहीं, आके मिलना पड़ेगा। मैं तुम पे एतबार क्यों करूं? इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। तुम्हारी ये तस्वीरें सिर्फ नबील के पास नहीं जाएंगी, बल्कि तुम्हारे अब्बा के स्कूल भी भेजी जाएंगी। पढ़ाते ना वो? स्कूल टीचर पसरूर की रहने वाली हो? गली मोहल्ला भी बताऊं? आना कहाँ है? बताऊंगा तुम्हें, कॉल का इंतजार करो। अम्मी, अम्मी कहाँ है? आ गया तू? नहीं, भूत बैठा है मेरा यहाँ पे, कुछ खाने को ला के दे, भूख लग रही है मुझे। अच्छा लाती हूँ। वो चुड़ैल चली गई। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात करूंगा मैं, तोबिया चली गई। किसी बातें कर रहा है? तेरी होने वाली बीवी है, अभी से ये हाल है?
आप लोगों को मुझ पे जरा सा भी तरस नहीं आता? या कसम खा लिया मेरी जिंदगी बर्बाद करने की? उससे मंगनी कराने से पहले थोड़ा सा तो सोच सकते थे आप लोग? जी बरकत है यार, आपको पता है खड़ा होता हूँ ना मैं तो मेरी यहाँ आती है और उम्र में मुझसे बड़ी है, साथ खड़ा होता हूँ उसके तो लगता है जैसे बड़ी बहन के साथ खड़ा हूँ मैं। अरे चुप कर जा, तेरे बाप ने सुन लिया ना तेरी जान निकाल देगा। ओ बाप से डर डर के तो मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी, अभी और क्या करूं? ये ना कह बेटा, मैं भी जानती हूँ तू क्या सोचता है, तेरे चाचे की बेटी है। देख बेटा, अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा उसका ख्याल? वो मेरे चाचे की बेटी है, मतलब मेरे बाप के भाई की बेटी है। वो मैं तो आप लोगों की सगी इकलौती औलाद हूँ, मेरे बारे में भी सोचो या कोई नहीं सोचेगा मेरे बारे में? मैं मजबूर हूँ बेटा। देख, इस मामले में या तो मैं अपने शौहर का साथ दे सकती हूँ या फिर मैं मेरा 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 साथ दो, मेरी माँ मेरी भी सुनो या मेरी किसी ने नहीं सुननी यहाँ पे? मैंने तो तुम्हारी इतनी सुन ली है, तुम्हारा बाप तो इतनी भी नहीं सुनेगा तुम्हारी बातें। करता है पड़ 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 हर वक्त बोलता रहता है। ये तो बोलता रहता हूँ ना, जल्दी देखना कुछ करके दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है। ला रही हूँ। सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिलहाल तो कोई नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रहे हैं इसीलिए टेस्ट करवाए। अगर यही प्रॉब्लम निकली तो क्या हो गया है मारिया? एक तो तुम फ्यूचर की परेशानियां क्यों लेने लग जाती हो? सब ठीक है, देख लो आखिरी हो बहुत होगा मारी। तुम दो दो मियां बीबी को हो क्या गया है? क्यों इतने संजीदा हो? वैसे कब तक आ जाएगी रिपोर्ट? कल तक आ जानी चाहिए। अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह अल्लाह खैर ही करेगा। ठीक है चलो आते हैं। मैं खुद जा सकती हूँ। शाबाश। हेलो सर, छत पे आ रहा है। वापस आ गए तुम? वापस आ गया मतलब? अच्छा, सारी रिपोर्ट देख के गई होगी ना तुझे? हाँ। चल छत पे आ जा, वहाँ बात करते हैं। थोड़ी देर में आती हूँ, सुबह चलेगी? हाँ दफा हो गई। अच्छा चलो मैं आती हूँ, बाय। हमें इस रिश्ते को नाम देना होगा। मैं और छुप छुप के नहीं मिल सकती तुमसे। मैंने कहा था ना तुमसे, बस थोड़ा सा सब्र और फिर तुम देखना। सोबिया जल्दी मुझसे नफरत करने लगेगी और फिर खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर देगी। सिंपल। ऐसा कभी नहीं होगा, भूले तुम्हारी। जितना मर्जी तुम उसे जलील करो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए कह रहा हूं तुम्हें, थोड़ा सा सब्र और। मुझे लगता है मैं ही गलत जगह दस्तक दे रही हूं। मुझे सोबिया की बातों से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि तुम किस तरह के बंदे हो। अच्छा, क्या बातें करती है सोबिया? यही कि तुम निकम्मे और डरपोक इंसान हो। मुझे भी ये लगता है कि तुम मेरा हाथ कभी नहीं थाम सकोगे। बकवास है ये, इतना घटिया इल्जाम। और अगर मैं ना मानू तो? नबील, ये सच तो नहीं है ना?
अरे तुम भी आ गई ना बातों में। कसम से मैं जा रहा हूँ किसी से मिलने, दोस्त से। आजकल सोबिया की तरफ कुछ ज्यादा नहीं जा रही तू? टाइम पे आ जाऊंगा। यूं गई और यूं आई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। शपक। अपने को जी जी करती है, आए क्या करूं आशा की सीढ़ी पे पांव पांव चढ़ती है आंखें, हर सपने को जी जी।